जनपद गाजीपुर के थाना गैमर क्षेत्र के गांव सभा 12 के प्रधान रबियत तबस्सुम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद अकबर खान द्वारा गांव के लोगों से किया वादा पूरा। देखिए खबरें आज भी के लिए जावेद बिन अली की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या नाम है? देवंदर। देवंदर जी, ये काम से कितना फायदा होगा किसानों? बहुत होगा, इसमें आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। अच्छा, वो जाने में बहुत दिक्कत है, तो हम लोग को किसान आदमी के हैं, तो रास्ते निकल जाता तो हम लोग बढ़िया है। है ना? बढ़िया है। अच्छा अच्छा, तो इससे अब बहुत फायदा होगा। फायदा होगा। अच्छा अच्छा, किसान से बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे मौजूद है, तो किसान लड़के हैं सब, लेकिन जमती जी हाई पुल बने से कितना फायदा हुई आप लोग के? अब फायदा है, गाड़ी देखा था ना, फिर हल्ले है, गाड़ी चल जाए तो ठीक है ना भाई। अच्छा, पुल ये क्या बना होता है? गुड्डू प्रधान बना, क्या बनाता है? अब गुड्डू प्रधान बनाते बनी तब का हम कहे, हम लोग कहते बनी, हम सुन लिए तब कहेंगे। अभी बजे पूछा था कि बच्चिया सही है कि ना, फिर जान नहीं सही है बाजी, बच्चिया सही है ना, बनाओ थोड़ा, इधर फायदा बहुत बटे का है, फायदा बा ना। बहन जी आपका कहाँ नाम पड़ी, कहाँ से आते हैं आप? काट के। काट के गांव कौन से पड़ी आपका? मठपुरवा। कहाँ से काट के आते हैं आप? एक राजेंद्र जसवाल को जाए, एक संगत। अच्छा, बताइए बहन जी कहाँ पर रहते हैं? वहाँ मालूम आपके? एक लागी भवानी चौरा है, पुल बनते हैं, ये पुलवा बने से जाए में आसानी हुई कि क्या हुई? आपका नाम कहाँ पड़ी? सुरेंद्र। कहा? सुरेंद्र यादव जी, ये बताइए आप कि कहाँ कोना खेत से आओ थे, कोना मोजा से? गहमर का सिवान से। गहमर से मैं सिवान से थे। और हाई मोजा कौन सा है? रसूलपुर। रसूलपुर, रसूलपुर। तो हाई पुल बना था, तो पुल से कितना फायदा हुई? बहुत फायदा हुआ। फायदा हुआ बहुत, किसान का फायदा हुआ। अच्छा, के बना हुआ था? अब तो हमारा सुने वाला की बना होता ना, गुड्डू प्रधान। गुड्डू प्रधान। अच्छा अच्छा अच्छा, ये काम का ठीक बा? काम ठीक, थोड़े काम करे बा काम ला। हाँ, काम उसके लिए बना? खूब काम कर लेगा सर। अच्छा अच्छा, जो काम जाए तो बड़का काम, बड़का काम इनका, बड़ काम इनका, का बड़ काम? या बड़ काम गुड्डू जी का याद बटे करो, बड़ काम के लिए कोई लोग करो। अरे करोले का बना इतना गली गुची कुल का कुल को बहुत कोई लोग की बना होती है, थोड़े कर लेगा ना। अच्छा, बहुत के लिए बना, धन्यवाद आपका। अभी मैं आपके क्षेत्र से आ रहा हूँ, रसूल पुल के पास एक पुल बन रहा है, उसकी क्या लागत है, किस स्कीम से बनवा रहे हैं, कब तो बताइए। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि 12 हाजी मोहम्मद अकबर खान। हमारे किसान भाइयों का 200 साल से एक समस्या था, जो हमारा खेत रसूलपुर में है, उस सिवान में जाने के लिए हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं था। जब भी खेती खेत काटने का टाइम आता था तो गहमर के लोग जाने नहीं देते थे, जिस उनका नहीं जान देने का उद्देश्य ये नहीं था कि वो कोई दुश्मनी था, क्योंकि उनका खेत खराब होता था, जिसके वजह से वो मना करते थे कि भाई आप इधर से मत जाओ, तो हमेशा जाना होता, तो उनको कुछ उनका अनाज देना पड़ता था, या बहुत सारी एक दो बार लड़ाई भी हो चुकी है। तो ये किसान भाइयों को बहुत बड़ा समस्या था, वो हमेशा हमसे बोलते थे कि प्रधान जी इसका कुछ समाधान कर दीजिए, नहीं तो कभी भी हम लोगों के बीच एक झगड़ा हो सकता है या कोई विवाद हो सकता है। कितनी लागत पुल बन रही है? ये पुल हम 30 फुट चौड़ी पुल ये बनवा रहे हैं, जिससे हार्वेस्टर चली जाए, ट्रैक्टर चली जाए। इसकी लागत तो कोई तय नहीं है, क्योंकि ये हम कोई योजना के तहत अभी इसको हमने लिया नहीं है। अच्छा। ये हम अपने तरफ से अपने पैसे से इसको भी हम बनवा रहे हैं। वक्त के साथ अगर देखेंगे तो अगर हम इसको शासन की तरफ से हमें कुछ पैसा मिलेगा तो लेंगे, फिर भी हमें लगता है कि कम से कम 5-6 लाख रुपए से ज्यादा है कहीं लागत इस पुल में आएगा, लेकिन अभी ये एग्जैक्ट अमाउंट हम नहीं बता सकते, क्योंकि काम चल रहा है, अब कितना लागत लगेगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, और हमें उम्मीद है कि 10-15 दिन 20 दिन के अंदर ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा और एक ऐतिहासिक पुल होगा, क्योंकि इस पुल से कम 300-400-500 बीघा जमीने जो हमारी उस तरफ है, पुल के उस तरफ, वो जाने आने और कटैया करने में, हार्वेस्टर को जाने में एक बहुत ही आसानी पैदा हो जाएगी। आपके मेन सड़क से जो रास्ते हैं जाने के, उन रास्ते में क्या पकाना है?
मेन रास्ते से जो पुल को जाता है, पुल के जाने के लिए जो रास्ता है वो अभी कच्ची है, तो हम हमारा ये भी है जब पुल बन के तैयार हो जाएगा तो जो चक रोड है उसके ऊपर हमारा ये है कि उसको हम खड़ंजा करा दे ताकि ट्रैक्टर हार्वेस्टर वगैरह जो है वो आसानी से पहुंच जाए और हमारे किसान भाइयों को जो समस्या था इसको निदान किया जाए, ये हमारी कोशिश है।